जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली मदर्स एंड अ बिग ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बेहद दिलचस्प है और मेरे दिल के बहुत करीब है। एक परिवार में पति पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे थे। पति स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर, और उनकी पत्नी एक गृहिणी थी। बच्चों में एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। जो बेटी थी वो बहुत ही चुलबुली और नटखट थी, और साथ ही छोटे होने के नाते वो पूरे परिवार की सबसे ज़्यादा लाडली थी। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब वो हाई स्कूल की परीक्षा दे ही रही थी कि उनकी शादी एक फौजी से हो गई, एक आर्मी मैन से। अपने परिवार में सबसे छोटी और शादी के बाद उस परिवार की सबसे बड़ी बहू, इकलौती बहू। छोटे होने के बावजूद वहाँ अपने बड़े वाला जो उनका पद था वो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सजगता से और बहुत ही अच्छे से निर्वहन किया उसका। अपने सास ससुर की सेवा की और सभी बड़ों का मान सम्मान रखा। परिवार उनका बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत हंसी खुशी थी। उनके जीवन में ईश्वर ने उनको संतान का सुख दिया और उनको तीन बच्चे, जिसमें कि उनके दो बेटे और एक बेटी। पति के साथ वो जहाँ जहाँ उनके पति की पोस्टिंग होती थी वो उनके साथ ही रहती थी। एक बार ऐसा आया कि पति की जो पोस्टिंग थी वो फील्ड में हो गई, श्रीनगर, जहाँ पर कि फैमिली को रखना अलाउड नहीं होता है। तो उसके बाद उन्होंने उनके जहाँ उनका नेटिव प्लेस था वहाँ पे उनके पति ने उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो चल रही थी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अभी उनको गए हुए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक से उन पर एक पहाड़ों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनको खबर मिली कि उनके पति शहीद हो गए। उनका तो जैसे जीवन ही रुक गया, सब कुछ थमा थमा सा, रुका रुका सा। बेहद दुखी, बेहद परेशान। उनको लोगों ने कहा भी कि अब शहर छोड़कर तुम्हें गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ शहर में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शहर में ही घर बनवाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई और बहुत अच्छे संस्कार उनमें दिए। उन्होंने हमेशा बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की सीख दी। वो हमेशा समझाती कि बेटा, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे या तुम्हारे साथ बुरा करे तो आपको कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। अगर आप भी उनके संग गलत करेंगे तो फिर उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। इसी सीख के साथ बच्चे बड़े हुए और बच्चे सेटल भी हुए लाइफ में। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने जो ईमानदारी से, जिस संस्कारों से और जिस मुश्किल के दौर को पार किया, उनका फल उनको मिला और उनके बच्चे सेटल्ड हो गए। उनके तीनों बच्चे आज सेटल्ड हैं, जिनमें उनका बड़ा बेटा आर्मी में है, उनकी बेटी गवर्नमेंट जॉब में है, उनका छोटा बेटा एक कंपनी में मैनेजर है। आज वो भले पूरे परिवार में बड़ी सकुशल खुशी से रहती है। दोस्तों, ये लेडी कोई और नहीं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी माँ की। और आज मैंने कहानी शेयर की है आपको अपने जीवन की। दोस्तों, एक औरत के लिए बिना पति के बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई करना और उनको इस काबिल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कहानी सिर्फ मेरी माँ की नहीं है, ये कहानी हर एक माँ की है, क्योंकि माँ अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है अपने परिवार और अपने बच्चों की परवरिश में, उनको अच्छे संस्कार देने में, उनको एक अच्छा इंसान बनाने में। दोस्तों, मैं आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी होने की आशा रखती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। दोस्तों, इस बात को लेकर कई अब बात भी है। कई लोगों को लगता है कि हम मदर्स डे को ही इतना स्पेशल डे क्यों मनाएं, हर डे मदर्स डे है। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, हर डे ही मदर्स डे है।
लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं अपनों को समय देना, अपनों से उनको ये जताना कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। दोस्तों, नॉर्मली भी तो हम कितने ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरीज और कुछ अदर ओकेशंस भी, तो हम मदर्स डे क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना सरप्राइज़ करें अपनी माँ को। अगर उनसे दूर हैं तो उन्हें एक फ़ोन कॉल करके, एक वीडियो कॉल करके, और अगर पास हैं तो उनको ये जता कर कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, प्यार जताना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्यार करना। प्यार की परिभाषा मुझे नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर है कि प्यार आपका कंसर्न, आपकी केयर, आपका उनको ये एहसास दिलाना कि वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी खास जगह रखते हैं आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज अपनी माँ को एक बार ये एहसास ज़रूर दिलाएं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वंस अगेन। थैंक यू।